नमस्ते दोस्तों, मेरे किचन की दुनिया देसी फ्लेवर्स में यार उसमें आपका स्वागत है। आज मैं अपने बगीचे से कुछ अरुई के पत्ते तोड़ के ले जा रही हूँ। तो इन पत्तों से मैं गुजरात की फेमस डिश होती है पात्रा, तो आज मैं वही बनाने जा रही हूँ। तो रेसिपी ध्यान से देखिए, और रेसिपी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये रहा, मैंने इतने सारे पत्तों को कट कर लिया है। ये देखिए, इकट्ठा मैंने इकट्ठा करके इसे रख लिया है। अब चलिए हम किचन में चलते हैं। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में आने के बाद से सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इन्हें अच्छे से धो लूँगी पत्तों को। आप 3 से 4 पानी से अच्छे से धो के इन्हें साइड करके रख ले ताकि इनका पानी अच्छे से निकल जाए। इसके बाद से हमें बेसन चाहिए। ये देखिए, मैंने बेसन ले लिया है। बेसन में हमें थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, साथ में थोड़ा हरा मिर्च का मैं पेस्ट लूँगी। यहाँ पे मैंने हरा मिर्च का पेस्ट भी ले लिया है। इसके अलावा थोड़ा सा अदरक लहसुन का हमें पेस्ट चाहिए, मैंने वो भी ले लिया है। अदरक लहसुन के पेस्ट के बाद से स्वाद अनुसार नमक, हल्दी ले लेना है। और इसमें एक खास चीज़ होती है, वो क्या, नींबू। नींबू ना हो तो आप इमली का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास नींबू है, तो यहाँ पे मैंने एक नींबू को काट के उसका रस ले लिया। अब सभी को हम पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। ज़्यादा पतला नहीं बनाना है हमें, इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिक्स करना है। पतला नहीं बनाना है, गाढ़ा ही रहने देना चाहिए। तो इसे थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल के बनिए। देखिए, एकदम से ये बन के तैयार हो चुकी है डो। अब चलिए, अब हमें क्या करना है, ये देखिए मैंने पत्तों को रख दिया था जिससे काफ़ी इसका पानी सूख चुका है। अब इसको हम इस तरीके से उलट के इसके ऊपर इस तरीके से बेसन को हम हाथों के सहारे लपेट लपेट के पूरे पत्तों में इस तरीके से हमें बेसन लगा लेना है। उसके बाद से क्या करना है वो भी देख लीजिए। सभी पत्तों के ऊपर मैंने इसी तरह से इसे लगा लिया है। अब इसके बाद से हमें क्या करना है, देख लीजिए, दूसरा पत्ता लेना है। दूसरे पत्ते को हमें दूसरी साइड से उलट के इस तरीके से डालना है और फिर से इसे हम बेसन लगाएंगे। तो जितना भी पत्ता है सबको हम एक के बाद एक इस तरीके से बेसन लगा के एक के एक ऊपर रखते जाएंगे। इससे क्या होगा कि ये मोटा होते जाएगा। बस इसी प्रोसेस से आपको इन पत्तों को बेसन के साथ हमें इस तरीके से मोड़ना है। तो मैंने क्या किया है देख लीजिए, मैंने सभी पत्तों को एक एक करके एक के ऊपर रख लिया है। अब चलिए, अब इसको हम फोल्ड करते हैं। फोल्ड करते वक्त ध्यान रखिएगा कि पत्तों को ज़्यादा हमें दबाना नहीं है। तो इस तरीके से हल्का सा प्रेस करके ऊपर से हल्का ही बेसन लगाना है। यहाँ पे आप ध्यान दिए होंगे कि मैंने बेसन बहुत ज़्यादा नहीं लगाया। ज़्यादा बेसन लगाने से क्या होता है कि इसमें बेसन का ही टेस्ट ज़्यादा आने लगता है। तो एकदम हल्का ही लगाए और धीरे धीरे इस तरीके से हमें, जिस तरीके से मैं करूँ उसी प्रोसेस से आप पत्तों को क्या कीजिएगा, फोल्ड करके और इसको तैयार कर लीजिए। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से फोल्ड करके ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर से हल्का सा बेसन को मैं इस तरीके से, जैसे पत्तों पे मैंने लगाया था उसी तरह से, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का मैं इसको लगा लूँगी। अब चलिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको स्टीम करना होगा। तो जिसके लिए मैंने क्या किया है, हल्का सा पहले से थोड़ा सा पानी ले लिया था कढ़ाई में। स्टील के कढ़ाई का मैंने यूज किया है, आप चाहे तो एल्युमिनियम के बर्तन भी ले सकते हैं। ये देखिए, मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा पानी ले लिया। अब इसमें छोटा कटोरी उलट के एक स्टैंड बना दे रही हूँ। स्टैंड जब बन जाए तो इसके ऊपर हमें इसको रख देना है और कम से कम 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसे हमें बॉयल करना है। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है। ये देखिए, हमारे 15 मिनट पूरे हो चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये देखिए, इसे निकाल के इसको साइड करके रख देना है। कब तक रखना है, जब तक ये पूरी तरीके से ठंडा ना हो जाए, क्योंकि इसको हमें कट करना है। ये देखिए, पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। इसको मैंने दूसरे बर्तन में रख लिया है। अब चाकू के सहारे हमें इस तरीके से पतले पतले स्लाइसेस में इसे काट लेना है। तो सभी को काट लेने के बाद हमें क्या करना है वो भी देखते रहिए। ये देखिए, मैंने सभी को एकदम पतले स्लाइसेस में काट लिया है। अब इसे मैं तलूंगी। तो इसको तलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहे तो इन स्लाइसेस को बेसन में डिप करके भी तल सकते हैं। मैंने यहाँ पे बेसन में डिप नहीं किया, मैंने डायरेक्ट तेल गर्म किया और इन्हें तलना स्टार्ट कर लिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पर तले और बहुत ज़्यादा नहीं, इतना तले कि बस ये लाल हो जाए, जले नहीं। जलने से क्या होता है कि बेसन का स्वाद अजीब सा कड़वा आने लगता है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसे हमें फ्राई करना है। ये देखिए, हल्का सा ही कलर चेंज हुआ, तो मैंने चम्मच के सहारे दूसरी तरफ भी उलट दिया है। बस इसी तरीके का हमें दूसरी तरफ भी फ्राई कर लेना है। तो ध्यान से एक एक को मैंने उलट दिया है। ये देखिए, अब थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि दूसरी साइड भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो थोड़ी देर बाद से दूसरी साइड भी फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे क्या करूँगी, अब मैं इसे निकाल के साइड करके रख लूँगी। जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा नहीं तलना है, देख लीजिए, बस ऐसे ही हमें इसको तल के रख लेना है। तो हमारी पात्रा की रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं तो चलिए इसे खाने। ये देखिए,
बहुत कुरकुरा सा ये बना है, साथ में मैं तोड़ के दिखा देती हूँ, ज़्यादा बेसन भी नहीं है, बहुत टेस्टी है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।